क्या अष्टमैथुन करने से दुबलापन आता है, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफी सारे लोग फोन करते हैं, ऑडियो कॉल्स चल रहे थे, वीडियो कॉल चल रहे थे, और उनका यह कहना रहता है कि भाई मुझे अष्टमैथुन की आदत है और बहुत बुरी आदत है, और अष्टमैथुन की आदत की वजह से मैं दुबला हो रहा हूँ, पतला हो रहा हूँ और बहुत कमजोर हो रहा हूँ। जब मैं उनको पूछता हूँ कि भाई कितने बार अष्टमैथुन करते हैं, तो बोलते हैं हो जाता है 4-5 बार एक हफ्ते में। फिर मैं बोलता हूँ एक हफ्ते में 4-5 बार हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, मेरे बाकी वीडियो देखे नहीं क्या आपने? मैं तो हरदम बोलता हूँ, मैं तो प्रमोटर हूँ अष्टमैथुन का, और ये जो हमारा ये चैनल है ये साइंटिफिक चैनल है, मैं साइंस की बात करता हूँ। और मैं बोलता हूँ साइंटिफिकली अष्टमैथुन ये नॉर्मल है, नॉर्मल प्रक्रिया है, करना ही चाहिए ताकि वो सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। सेक्सुअल वर्कर के पास में, सेक्स वर्कर के पास में आदमी नहीं जाएगा, उसको वैसी शांति मिलेगी, दिमाग शांत रहेगा, तो अष्टमैथुन करेगा तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग बोलते नहीं 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 बहुत बुरी आदत है, हमको तो लिखा है आयुर्वेदा में लिखा है, फलाने महाराज ने बोला है, फलाने लेक्चर ने बोला है यूट्यूब के ऊपर, सिलेबस ही रखो, अष्टमैथुन नहीं करना चाहिए, वीर्य जमा रखना चाहिए वगैरह वगैरह। बोला ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जब आप अष्टमैथुन नहीं करते हो, ठीक है, आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो वीर्य बाहर नहीं जा रहा क्या? बोले हाँ जाता है सपने में। मतलब वो कहाँ जाता है, वो भी वेस्ट हो रहा है। शादी नहीं हुई है तो पेशाब और लैट्रिन करने के पहले जाता है नहीं क्या वीर्य? जाता है, वो कहाँ जाता है, वो भी वेस्ट। ठीक है, शादी हुई है और शादी में आप इंटरकोर्स करते तो वीर्य कहाँ जाता है? बोलते वो पेट में जाता है। मतलब पेट में किसके, औरत के? अच्छा ठीक है, फिर औरत के पेट में जमा होता है क्या वो? बोले होता होगा। मतलब कैसा क्या जमा रहेगा वीर्य? तो बाहर निकल जाएगा, मतलब वो भी वेस्ट होता है। तो वीर्य को अंदर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। हस्तमैथुन से किया तभी बाहर जाएगा, सपने में गया तो भी बाहर जाएगा, सेक्स किया तो भी बाहर जाएगा, तो बुरा क्या है? फिर ये आर्गुमेंट के बाद में उसको समझने लगता है कि ठीक है डॉक्टर बराबर बता रहे हैं कि भाई बुरा नहीं है। तो नहीं नहीं मगर मुझे तो, मेरा तो वजन तो कम ही हो रहा है, मेरा तो बहुत दुबलापन लग रहा है, मुझे बहुत कमजोरी लग रही। बोला भाई वो कमजोरी अष्टमैथुन से नहीं है। बोले मैंने सब जाँच किया, डॉक्टर साहब ने बोला है कि कुछ खराबी नहीं है और इसलिए वो अष्टमैथुन से हो रहा है। बोला भाई देखो ऐसा होता है कि आपके दिमाग में ये किसने तभी बिलीफ डाला हुआ है कि भाई हस्तमैथुन खराब है, हस्तमैथुन से वीर्यनाश होता है और वो अच्छा नहीं है। वीर्यनाश यदि आपने नहीं किया तो वीर्य दिमाग में जाएगा, वहाँ एनर्जी देगा, ये सब गलतफहमियाँ डाली हुई है। तो फिर क्या होता है, फिर चिंता होती है, अरे मैंने हस्तमैथुन किया, गलत किया, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं करना चाहिए, अपराध बोध होता है, गिल्टी फीलिंग लगता है। हस्तमैथुन करने के बाद में दिन भर अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैंने गलती की है, मैंने अच्छा नहीं किया, ऐसा दिमाग में रहता है। बाद में क्या होता है, चिंता, स्ट्रेस, उसके वजह से फिर नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, खाना नहीं हजम होता, काम में मन नहीं लगता और एक गिल्टी सा फीलिंग लगता है, और उससे फिर नेचुरली वजन कम हो जाता है। भूख ही नहीं लग रही, खाना ही नहीं बराबर खाए, वजन कम हो जाता है। अच्छा, बढ़ता हुआ शरीर रहता है, 18, 19, 20, 22, मतलब ये उम्र में शरीर तो डेवलप हो रहा है और तो बढ़ रहा है शरीर, घूमना फिरना भी होता है, खेलना भी हो सकता है, एनर्जी लगती है, और खाना कम खाया तो नेचुरली वजन कम हो जाएगा। बोलते देखो मेरे गाल बैठ गए, आंखों के आजू बाजू में काला सा हो गया और मैं कमजोर हो रहा हूँ, मैं दुबला हो रहा हूँ। तो बहुत समझाने के बाद में, काउंसलिंग करने के बाद में उनको समझ में आता है कि भाई हस्तमैथुन में भी वीर्य गया तभी वो वेस्ट है, सपने में भी गया तभी वेस्ट है, सेक्स करने में गया तभी वेस्ट है, वीर्य ये अंदर जमा होने वाली चीज नहीं है। कोई उसके ऐसी टंकी नहीं अंदर कि वो जमा हो जाएंगे, वो टंकी जो है फुल है और वो संभल संभल के जिंदगी भर पुराने का है, ऐसा नहीं है, रोज तैयार होता है वीर्य। तो जब उसको समझाते हैं तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है भाई। फिर कुछ समय बाद बोले आप जो बोल रहे हो ठीक है मगर मुझे तो दुबलापन लगता है, मुझे तो कमजोरी लगती है। मतलब हमारे कल्चर में इतना वो ठोस ठोस के भरा हुआ है कि वीर्य नहीं जाना चाहिए, वीर्य को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और लोग समझ में भी नहीं, अरे भाई शादी के बाद आप सेक्स नहीं करोगे क्या? बोले हाँ करूंगा। फिर शादी के बाद में वीर्य जाएंगा नहीं क्या वेस्ट? नहीं, मगर वो सेक्स करने में जा रहा है। मतलब फिर वो जा रहा कहाँ है, वो तो वेस्ट ही हो रहा है ना। नहीं, मगर वो इंटरकोर्स में जा रहा था वो चलता है। मतलब ये ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो ऐसा समझाने के बाद में उसको समझ जाता है। मुझे आपको ये वीडियो के जरिए यही बताना है कि अष्टमैथुन से दुबलापन आता नहीं, पतलापन आता नहीं, कमजोरी आती नहीं है, कुछ होता नहीं है, दिमाग से निकाल डालो। ये बिलीफ है कि भाई अष्टमैथुन से ऐसा होता है, ये बिलीफ आप निकाल डालेंगे, मेरे ऊपर विश्वास रखो, ये पूरा साइंटिफिक चैनल है, कुछ भी गलत बात ये चैनल पे होंगी नहीं। और जो भी आप बोलते हैं, जो भी आपको बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं अष्टमैथुन से कमजोरी आती है, उनको ये चैलेंज है कि उन्हें प्रूव करना चाहिए और उन्होंने स्टैम्प पेपर पर लिख के देना चाहिए कि अष्टमैथुन से कमजोरी आती है,
और आपको हस्त मैथुन से कमजोरी आई हुई है, ऐसा लिख के देने को तैयार, तो वो चैलेंज को स्वीकार करने को मैं तैयार रहूंगा। हाँ, हस्त मैथुन प्रॉब्लमेटिक कब है कि जब वो लत लग जाती है उसे, एक दिन में 5-5, 6-6 बार हस्त मैथुन कर रहा है, वही दिमाग में आ रहा है और फिर इच्छा नहीं होते हुए भी हस्त मैथुन कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। और दूसरा, हस्त मैथुन करने में क्या होता है, लोगों को, लोग फटफट फटफट करने में लगते हैं, समय नहीं है, लेटरिन में जाके, घर में प्राइवेसी नहीं है, लेटरिन में जाके करो, बाथरूम में जाके करो, हस्त मैथुन जल्दी जल्दी करना पड़ता है और फिर उसमें क्या होता है, एक आदत सी लग जाती है वीर्य जल्दी बाहर फेंकने की, और वीर्य जल्दी बाहर फेंकने की जब आदत लग जाती है तो फिर वही आदत कायम रहती है शादी करने के बाद में, और बाद में फिर लोग आते हैं हमारे पास में कि भाई शीघ्र पतन हो रहा है, क्यों, क्योंकि आदत बनी हुई है, आदत लग चुकी है। तो हस्त मैथुन जब आप करेंगे तो आराम आराम से करना है, 5-10 मिनट तक वो चलना चाहिए, उसमें एंजॉयमेंट आना चाहिए, तो हस्त मैथुन नॉर्मल है, हस्त मैथुन से दुबलापन आता नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब नौजवानों को शेयर करो, एडोलेसेंट को शेयर करो, ताकि उनमें वो दिमाग में से निकल जाएंगे कि भाई ये हस्त मैथुन बुरा है, खराब है। थैंक यू वेरी मच।